अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो मौजू है उसका नाम है इस्लाम रिस्ट्रिक्ट पॉलीगैमी, यानी दीन इस्लाम में जो एक से ज़ायद शादी करने के लिए जो मर्दों को इजाजत दी गई है उसके कुछ शरायत हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के इस मौजू के ऊपर। इस्लाम के मुतरजीन हमेशा से मुसलमानों के चार शादियों के करने पर इतराज करते हैं, हालांकि दीन इस्लाम ने तादाद अजवाज की इब्तिदा नहीं की बल्कि बिरसत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अरबों में पहले से जारी एक से ज़ायद निकाह करने के रस्म को बरकरार रखा। पूरे आलम में अरब वाहिद मुल्क नहीं था जहां ये रस्म मौजूद थी, बल्कि जब से दुनिया कायम है और जहां कहीं भी मुआशरा का तस्वीर मौजूद था या है वहां मर्दों का एक से ज्यादा शादी करने का रिवाज भी था और अभी भी है। हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान में राजा दशरथ के पास बैक वक्त 3 बीवियां थी। खुलासा यह है कि हर मुआशरा इब्तिदा से ही पॉलीगैमस रहा है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और कौमियत, आवाम हो या खास, राजा नवाब और हुक्मरान सभी लोग एक से ज्यादा जायद बीवियां रखते हैं। कभी भी तादाद अजवाज को मायूब और काबिले मजम्मत अमल नहीं समझा गया और जहां कहीं भी कानून के जरिए इस पर पाबंदी आयद की गई तो वहां बदकारी और जिना ने इसकी जगह ली, क्योंकि ये मर्दों के एक फितरी ख्वाहिश पर कदगन लगाया गया। औरत मर्द की कमजोरी है। तादुल अज़्वाज की पाबंदी के नतीजे में मर्द औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कायम कर लेता है, नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, बहुत से बच्चों को तो दुनिया में आने से ही रोक दिया जाता है। इस नाजायज रिश्ता की वजह से कभी पहली बीवी को रखने के लिए दूसरी औरत का कत्ल करवा दिया जाता है, तो कभी दूसरी औरत को रखने के लिए पहली बीवी को तलाक दे दिया जाता है, क्योंकि दुनियावी कानून एक मर्द को दूसरी बीवी रखने की इजाजत नहीं देता। रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में भी अरब मुआशरा इससे इस्तिस्ना नहीं था, वहां भी ये दस्तूर जारी था। अगर तादाद अजवाज का रसम अल्लाह ताला के नजदीक मायूब और मजमूम होता तो अल्लाह ताला इस रस्म को जरूर मनसूख कर देता। अरब मुआशरा में जाहिलियत के बहुत से ऐसे रसूम थे जिसको अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया, मसलन मुंह बोला बेटा यानी गोद लिया हुआ बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, इसलिए विरासत में इसका कोई हक नहीं रखा गया। मुंह बोला बेटा की बीवी से अरब मुआशरा में बेटा के मरने के बाद बाप उससे निकाह नहीं करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस रस्म को भी मनसूख कर दिया। इसी तरह से जिहार की रस्म, यानी अगर कोई अपनी बीवी को ये कह देता कि उसकी पीठ मेरी माँ की जैसी है तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ तो वही है जो औलाद जनती है, यानी किसी को मां कहने से कोई मां नहीं होती।
कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिहार के रस्म को मनसूख कर लिया। अगर तादाद अज़वाज भी एक गैर अखलाकी अमल होता तो ये भी मनसूख हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे वाज़े है कि ये रस्म बादस्तूर माजी में भी दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है और आइंदा भी दुरुस्त रहेगा। तादाद अज़वाज को अल्लाह ताला ने बरकरार तो रखा, लेकिन उस पर एक कैद ये लगा दी कि बैक वक्त कोई भी मुसलमान 4 से ज्यादा बीवियों को रख नहीं सकता। जाहिलियत में पहले लोग अनगिनत शादियां करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने गैर महदूद तादाद अज़वाज यानी अनलिमिटेड पॉलीगमी को महदूद तादाद अज़वाज यानी लिमिटेड पॉलीगमी में तब्दील कर दिया। अब इसके हम कुछ चंद मिसालें आपके सामने पेश करते हैं कि किस तरह से अरब मुआशरा में लोग एक माने 4 से भी ज्यादा बीवियां रखते थे। मसलन एक शख्स गिलान बिन असलमा सकफी मुसलमान हुए, उस वक्त उनके निकाह में 10 औरतें थी और वह भी मुसलमान हो गई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म कुरानी के मुताबिक उनको हुक्म दिया कि उन 10 में से 4 को मुंतखब कर लें, बाकी को तलाक देकर आजाद कर दें। गिलान बिन असलमा सकफी ने हुक्म के मुताबिक 4 औरतें रखकर बाकी से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसी तरह से एक और रिवायत है कि कैस बिन अल हारिस असदी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब मुसलमान हुआ तो मेरे निकाह में 8 औरतें थी। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया कि उनमें से 4 को रख लो, बाकी 4 को तलाक दे दो। इसी तरह से मुसनद इमाम शाफई में नौफल बिन मुआविया देलमी का वाकया नकल किया है कि वह जब मुसलमान हुए थे उनके निकाह में 5 औरतें थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको 1 औरत को तलाक देने का हुक्म दिया और इस तरह से वो 4 औरतें जो है अपने पास रख ली। अल्लाह ताला ने तादाद अज़वाज के रस्म को इसलिए मनसूख नहीं किया क्योंकि अरब मुआशरा में उस वक्त इसकी जरूरत थी और आज के दौर या आइंदा दिनों में भी इसकी जरूरत बाकी रहेगी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में अरब में मबऊस हुए उस वक्त अरब लोग जंगे लड़ा करते थे और अरब के गिर्द वो नवाह की कौमें भी जंगे लड़ती थी। खुद अरब के कबाइल आपस में जंग लड़ते थे। कुरान मजीद में रोम और फारस के लड़ने का भी जिक्र है। इन जंगों के सबब औरतें बेवा हो जाती थी, बच्चे यतीम हो जाते थे। अब इन बेवा औरतों की जिंदगी और उनके यतीम बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी था कि एक मर्द को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी जाए। दूसरी बात यह है कि उस जमाने में शादी ब्याह करना आसान था, इंसान की जरूरतें भी बहुत कम थी। ना ही आज की तरह उस वक्त के लोगों के सामने ये मसला था कि ऊंची तालीम के तहसील या रोजगार मिलने के बाद शादी करूंगा। ना ये डर था कि महंगाई बहुत ज्यादा है और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा खर्च है, इसलिए दूसरी या तीसरी शादी कैसे करूं। चूंकि ये जमाना जंग का था इसलिए हर कबीला को जंग लड़ने के लिए मर्दों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो लोग 1 से ज्यादा शादियां करते थे। एक शादी करना तो हर मर्द की जरूरत है। पहली शादी जिनसी जिबिल्लत की तस्दीक, नस्ल की अफजाइश और खानदान की तश्कील के लिए की जाती है, लेकिन 1 से ज्यादा शादी इनफिरादी या माशरती मसाइल के हल के लिए की जाती है। शौक के लिए 2 या 3 बीवियों को रखना मनफी नतायज पैदा करता है।
हमारे मुआशरे में तलाकशुदा और बेवा औरतें भी पाई जाती हैं, उनके लिए दोबारा निकाह का इंतजाम होनी चाहिए। ऐसे और ऐसी औरतों से कुंवारा लड़के शादी अमूमन नहीं करते, इसलिए इन औरतों से शादी करने के लिए शादीशुदा मर्दों को ही सामने आने पड़ता है। कभी कभी एक शादीशुदा औरत का मां बनने की उम्मीद नहीं रहती तो उसका शौहर औलाद की पैदाइश के खातिर पहली बीवी को बगैर तलाक दिए हुए दूसरी औरत से शादी कर लेता है। लेकिन एक से ज्यादा बीवियों को रखना खतरे से खाली नहीं है। इसमें शौहर को बीवियों के दरमियान अदल और मसावात कायम करना पड़ता है, इसके हकूक की अदायगी का ख्याल रखना पड़ता है, वरना शौहर गुनहगार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 4 बीवियों तक की इजाजत देकर फरमाया, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ। ये सूरह निसा की आयत है, यानी अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि अदल ना कर सकोगे तो एक ही बीवी पर सबर किया करो, या जो कनी शरई असूल के मुताबिक तुम्हारे पास है उसे गुजारा कर लो। इससे मालूम हुआ कि एक से ज्यादा निकाह करना उसी सूरत में जायज और मुनासिब है जबकि शरीयत के मुताबिक सब बीवियों में बराबरी कर सकें और सबके हकूक का लिहाज रख सकें। अगर इस पर कुदरत न हो तो एक ही बीवी रखी जाए। इसलिए जब एक से ज्यादा निकाह करने का कोई इरादा करे तो पहले उसे अपने हालात का जायजा लेना चाहिए। एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के निकाह में 2 औरतें हो और वह उनके हकूक में बराबरी और इंसाफ न कर सके तो वह कयामत में इस तरह से उठाया जाएगा कि उसका एक पहलू गिरा हुआ होगा। चूंकि तादाद अजवाज के लिए अदल व मसावात और बीवियों के हक की अदायगी को लाजमी करार दिया गया है, इसलिए अहले सरवत यानी मालदार लोगों को ही एक से ज्यादा शादी करनी चाहिए और गरीब लोगों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। जिसके पास माल और दौलत है वही लोग औरतों के मादी जरूरतों और मुतालबात को पूरा कर सकेंगे। बीबियों के अलावा उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनके भी खुर्द व नोश की जरूरत, तालीम की जरूरत, इलाज की जरूरत, फिर उनके शादी के लिए माल की जरूरत पड़ती है। एक बीवी रखने के लिए भी माली इस्तेदाद लाजिम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से निकाह करने की ताकत रखता हो वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह से आंखों में हया आती है और शर्मगाह गुनाहों से महफूज रहती है, और जो निकाह करने की ताकत न रखता हो वह रोजे रखे, क्योंकि रोजों से शहवत टूटती है। यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बाज लोगों के अंदर जिनसी भूख बहुत ज्यादा होती है और उस भूख को मिटाने के लिए 2 बीवी रख लेते हैं, लेकिन नई बीवी के तरफ मिलान और झुकाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए पुरानी बीवी को वो भूल जाता है और उसके हकूक अदा नहीं करता। बाल बच्चों को जब ये बात एहसास होता है कि उसका बाप महज सेक्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरी औरत से शादी की तो बाल बच्चों की नजर में बाप की कदर में गिरावट आ जाती है और माँ को बाप की तरफ से नजरअंदाज होता देख बच्चे माँ की तरफ हो जाते हैं और बाप
और औलाद में अनाद पैदा हो जाती है। अगर बाप की माली हालत मजबूत नहीं है तो ऐसे लोगों की जिंदगी तकलीफ से गुजरती है, ना ही उन्हें तालीम मयसर होती है और ना ही तरबियत। इसलिए अगरचे मुसलमानों को एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये शादी समझदारी के साथ होनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी के लिए इस्तेदात शर्त रखी है और अदम इस्तेदात पर रोजा रखने का हुक्म दिया, तो कैसे लोग बगैर इस्तेदात के दूसरी या तीसरी शादी कर सकते हैं। मौत्ता इमाम मालिक में एक रिवायत है, बाप का नाम है किताब निकाह के बयान में और हदीस नंबर है 1030। रिवायत इस तरह से है कि राफे बिन खदीज ने मोहम्मद बिन असलमा की बेटी से निकाह किया और वो उनके पास रही। जब बुढ़िया हुई तो राफे ने एक जवान औरत से निकाह किया तो उसकी तरफ ज्यादा मायल हो गए, तो बुढ़िया औरत ने तलाक मांगी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने एक तलाक दी, फिर जब इद्दत उसकी गुजरने लगी रुजात कर ली और जवान औरत की तरफ मायल रहे, फिर जब इद्दत गिरने लगी रुजात कर ली, माने दूसरा तलाक दिया और फिर इद्दत के दौरान फिर रुजात कर ली और फिर जवान औरत की तरफ मायल रहे, बुढ़िया ने फिर तलाक मांगी। तब राफे बिन खदीज ने कहा, अब तुझे क्या मंजूर है, एक तलाक और रह गई है, मतलब दो तलाक दे चुके हैं, एक तलाक और रह गई है, अगर तू इस हाल में रहना चाहती है तो रह और अगर नहीं रह सकती तो मैं तुझे छोड़ दूं। उसने कहा, मुझे इस हाल में रहना मंजूर है। राफे ने उसको रख लिया और अपने ऊपर कुछ गुनाह नहीं समझा। मतलब जब सहाबी खुद जो है नई बीवी की तरफ मायल हो गए, तो आज के जमाने में अगर कोई दूसरी या तीसरी शादी करता है तो कैसे नहीं वो दूसरी बीवी की तरफ मायल हो जाएगा और फिर पुरानी बीवी को जो है हकूक जो है पामाल होने का जो है इम्कान रहता है। इसीलिए गर्चे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी है, मतलब चार से ज्यादा निकाह नहीं करना है, चार ही तक करना है, लेकिन दूसरी शादी करने में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम।